वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर से विस्कोसिटी कैसे चेंज होती है, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, थ्योरी में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में मार्क करने को आ सकता है, इतना किया है बस। कि व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, बढ़ेगी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम वीकर, तो आपस में जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है, तो एनर्जी गेन कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स, जिससे कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही तो ये विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है, तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा, गैस में उल्टा रिलेशन है, गैस में टेम्परेचर से विस्कोसिटी बढ़ती है, गैस का अलग फिनोमेन है, लिक्विड का अलग फिनोमेन है, क्योंकि हम यहाँ लिक्विड को पढ़ रहे हैं, गैसेस को पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए गैसेस की विस्कोसिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, बस वेरिएशन पढ़ रहे हैं कि गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है, तो ये अंडरलाइन कर लें। प्रेशर का, एक्सेप्ट वाटर, वाटर एक एक्सेप्शन है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद प्रेशर, तो विस्कोसिटी बढ़ती है अगर आप लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हो, गैस के केस में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, जो हम स्टडी नहीं कर रहे, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो चारों फैक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है।